आज का हमारा पाठ है तुलसीदास। इसके आज मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करा रही हूँ, जिसे हम वन लाइनर्स और MCQs भी कहते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, राम परशुराम लक्ष्मण संवाद कविता किसकी रचना है? तो यह तुलसीदास जी की रचना है। दूसरा प्रश्न है, राम परशुराम लक्ष्मण संवाद कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो इसकी पुस्तक का नाम है रामचरितमानस। यदि आप ये वन लाइनर्स प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपको पूरी तरह से पाठ क्लियर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता कौन से कांड से ली गई है? तो इसका जो कांड है वह है बाल कांड। रामायण के अलग अलग कांड हैं जिसमें यह बाल कांड से ली गई है। प्रश्न है, राम ने किसका धनुष तोड़ा था? राम ने शिव का धनुष तोड़ा था। प्रश्न है, तुलसीदास जी का जन्म कौन से सन में हुआ था? सन 1532 में उनका जन्म हुआ था। प्रश्न है, उनका देहांत कौन से वर्ष में हुआ था? उत्तर आएगा 1623। प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? यहाँ पर साहित्य लहरी जो है वह तुलसीदास जी की रचना नहीं है। फिर प्रश्न आता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की भाषा कौन सी है? तो यह भाषा जो है इसकी अवधि में यह लिखी गई है। प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के छंद हैं दोहा और चौपाई। फिर है, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, में कोही का क्या अर्थ है? यहाँ पर परशुराम जी का अर्थ है, परशुराम जी क्रोध में थे और इस उनके लिए यह प्रयुक्त हुआ है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की शैली कौन सी है? व्यंग्यात्मक शैली है, यहाँ पर व्यंग्य की भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर प्रश्न आता है कि नाथ शंभुधनु भंजन निहारा में नाथ कौन है? नाथ यहाँ पर परशुराम जी हैं और यह रामचंद्र जी उन्हें कह रहे हैं। प्रश्न है, शिवधनुष तोड़ने वाला परशुराम का किस जैसा शत्रु है? परशुराम जी के शत्रु थे सहस्रबाहु, और यही वो बताते हैं कि सहस्रबाहु जैसा उनका शत्रु है जिसने धनुष को तोड़ा है। वह धनु ही तोरी लरिकाई, किसने ऐसा किया था? लक्ष्मण जी ने किया था। तुलसीदास ने भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयोग में लिया है? यहाँ पर परशुराम जी के लिए भृगुकुल केतु का प्रयोग किया गया है। फिर है, रे नृप बालक कालबस किसे कहा गया है? लक्ष्मण जी को कहा गया है कि हे राजा के बालक, तुम्हारा काल आ गया है। फिर आता है, का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, जून का अर्थ यहाँ पर है पुराना। कुम्हड़बतिया का यहाँ पर क्या अर्थ है? बहुत कमजोर से यहाँ पर अर्थ है। उसके बाद जो प्रश्न आता है वह है, महीसुर कौन होता है? महीसुर यहाँ पर ब्राह्मण से तात्पर्य है। कुलिस सम वचनु, कैसे वचन होते हैं? कठोर। फिर प्रश्न है, कौशिक सुनऊ मंद येहु बालकु, में कौशिक कौन है? विश्वामित्र हैं यहाँ पर। उसके बाद होता है, काल कवलु कौन होता है? काल कवलु होता है मृत व्यक्ति। तुलसीदास ने गाधी सुनु शब्द किसके लिए प्रयोग में लिया है? विश्वामित्र के लिए। विप्र विचारी बचाऊ नृप दोही में अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। राम ने लक्ष्मण को कैसे रोका? राम ने लक्ष्मण को इशारे से रोका था। राम ने किसके जैसे शब्द कहे? उन्होंने निर्मल जल के जैसे शब्द कहे थे। कृषाणु किसको कहते हैं? कृषाणु आग को कहा जाता है। युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देखकर अपने यश का गायन कौन करता है? कायर व्यक्ति जो होते हैं अपने यश का गायन करते हैं। अरिकर्णी करी करियई लड़ाई में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। परशुराम ने राजाओं से अनेक बार भूमि जीत करके किसको दी थी? ब्राह्मणों को उन्होंने भूमि दान में दे दी थी। उसके बाद आता है प्रश्न, परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है? शिव धनुष को तोड़ने वाले को उन्होंने गुरुद्रोही कहा है। युद्ध में रिपु के सामने अपने प्रताप का बखान कौन करता है? रिपु यहाँ पर दुश्मन है, तो दुश्मन के सामने अपने प्रताप का बखान कौन करता है? कायर व्यक्ति अपने प्रताप का बखान करते हैं। गर्भिण के अर्भक दलन, यहाँ पर अर्भक का तात्पर्य है बच्चा।
तुलसीदास के अनुसार कुमारवतियाँ देख किसे देख करके मुरझा जाती है, वह तर्जनी को देख करके मुरझा जाती है। परशुराम ने लक्ष्मण के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है? यहाँ पर कुटिल, कालवश और निजकुल फालक घालक सभी का शब्द का प्रयोग किया है। देखिए कुठार सरासन वाना, यहाँ पर कुठार का अर्थ है कुल्हाड़ी यानी कुल्हाड़ा। रण में रिपु का पाकर अपने प्रताप का बखान कायर करते हैं। क्षत्रिय कुलद्रोही कौन थे? परशुराम। धरई के बाड़े किसे कहा गया है? द्विज देवता को। त्रिपुरारी शब्द का क्या अर्थ है? शंकर। बाल ब्रह्मचारी कौन थे? परशुराम जी। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते थे? बालक समझकर उन्होंने नहीं मारा था। कुमारवतियाँ किसे देखकर मुरझा जाती है? तो कुमारवतियाँ एक सुईमुई का पौधा होता है, जिसे अगर हम तर्जनी भी दिखा दें तो वह मुरझा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुमारवतियाँ तर्जनी को देख करके मुरझा जाती है। ये जो है प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको इसी तरह के कोई प्रश्न पढ़ते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वही चैप्टर आपके लिए बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।